will be equal to n minus 2 into 180 डिग्री. मैंने इसको सर्कल किया है क्योंकि आपको ये ना लगे कि ऊपर वाले के साथ मर्ज हो रहा है. वो ये सेपरेट है इसका. सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री. ठीक है, इसमें n क्या चीज है, यहाँ पे लिख लो ब्रैकेट में n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स. ठीक है बेटे, ये सारे के सारे फॉर्मूला आपके पूरे चैप्टर में यूज होते हैं. एक बार आपके पास लिस्ट रेडी होगी फिर आपको क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा. ओके, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग इट. सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू एन माइनस टू इंटू 180 डिग्री एंड अगर हमें एक इंटीरियर एंगल, लास्ट एक फॉर्मूला है आपका फिफ्थ वाला, अगर हमें एक इंटीरियर, बेटे दिस इज क्लियर, नीचे वाली लाइन इज विजिबल या फिर मैं ऊपर लिखती हूँ इसको. आई विल राइट इट हियर, फिफ्थ पॉइंट आई एम राइटिंग हियर. ये लास्ट फॉर्मूला है आपका. ठीक है, इंटीरियर एंगल, अगर आपको इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन निकालना है, इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन ऑफ एन साइड्स, अगर उसकी एन साइड्स है तो उसका इंटीरियर एंगल एक अगर हमने निकालना हो तो उसका भी एक फॉर्मूला होता है. ठीक है, प्लीज राइट डाउन, एन माइनस टू इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय एन. ठीक है बेटे, ये आपके फाइव फॉर्मूलाज हैं जो बार बार आपके यूज होंगे क्वेश्चंस में. प्लीज राइट इट डाउन, उसके बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगी कि क्या है इनका, कहाँ आपको कहाँ कहाँ यूज आएगा इसका. यस, जिस जिसने लिख लिया रेज योर हैंड, लेट मी सी किस किसने कंप्लीट कर लिया है. वेरी गुड, वेरी गुड. चलो मैं 2 मिनट्स और देती हूँ, प्लीज रिवाइज कर लो. जिन्होंने लिख लिया प्लीज स्टार्ट रीडिंग. ठीक है, क्योंकि मैं अभी एक बार एक्सप्लेन करूंगी ये, और जिन्होंने नहीं लिखा प्लीज कंप्लीट इट फास्ट. आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स. वेरी गुड. प्लीज रीड ऑल द फॉर्मूलाज, उनको अंडरस्टैंड करो जिन्होंने लिख लिया है. ओके, फर्स्ट आपका फॉर्मूला था, क्विक इसकी रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको पता चले कौन से फिगर के लिए कौन सा आपका फॉर्मूला यूज होगा. फर्स्ट फॉर्मूला था सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री. इंटीरियर का मतलब हम अंदर की बात करते हैं, ए बी सी एंड डी. ओके, और ये कौन का कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है? कॉन्वेक्स. मैंने आपको बताया था हम हमेशा कॉन्वेक्स की बात करेंगे आपके. वो जो कल हमने बात की थी कॉनकेव की, तो वो जस्ट नॉलेज एक आपको पता होना चाहिए, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा उसके बारे में. ओके बेटे, तो हमारा ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, उसके बारे में हमने बताया, उनका सम इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है. ये फॉर्मूला आपने सेवंथ में भी यूज किया हुआ है, दिस इज नॉट न्यू फॉर्मूला फॉर यू. ठीक है, नाउ अभी जो एट्थ में आपके फॉर्मूलाज यूज होते हैं वो ज्यादा यूज होते हैं एक्सटीरियर वाले. आपको पता है एक्सटीरियर एंगल कब बनता है, जब हम लाइंस को एक्सटेंड कर देते हैं. थोड़ी थोड़ी लाइंस को जब हम एक्सटेंड करेंगे तो क्वाड्रिलेटर के बाहर भी फॉर्मूला जो है वो एंगल बनेगा. ठीक है, तो ये जो सारे फॉर्मूलाज हैं, दीज आर ऑल फॉर्मूलाज ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन. व्हाट इज रेगुलर पॉलीगॉन? कैन आई आस्क अभी एट बी, व्हाट इज रेगुलर पॉलीगॉन? एट बी, यस, वेरी गुड, आगे आ जाओ बेटे. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग, यस, बताओ बेटे. मैम जो कि मैम यार, ओके, पॉलीगन क्या होता है बेटा? ओनली पॉलीगन क्या होता है? मैम फिगर मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइन. एक्सीलेंट, बिल्कुल ठीक है. तो उसको रेगुलर क्यों बोलेंगे हम?
जब उसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी तब हम उसको पॉलीगॉन बोलेंगे, रेगुलर पॉलीगॉन बोलेंगे। इज इट क्लियर? किस ओके किस को पता है? रेज योर हैंड। पता है? यस यस वेरी गुड। अभी मैं सबको तो नहीं बुला सकती बट मेरे को पता चल गया कि रेगुलर का मतलब जिसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी। तो आपके ये सारे के सारे फॉर्मूलाज जो यूज हो रहे हैं ना बेटे, यहाँ से यहाँ तक, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये सारे के सारे फॉर्मूलाज आपके रेगुलर के लिए हैं। दीज आर ऑल फॉर रेगुलर। ओके, आपको क्वेश्चन में ही दिया होगा कि ये रेगुलर है पॉलीगॉन। ओके प्लीज रिमेम्बर। ठीक है, तो ओके सेकंड क्वेश्चन था हमारा सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन। कितनी मर्जी साइड्स हो, मैंने आपको बोला था उनका सम हमेशा 360 रहेगा। ओके, किनका? एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 + 4। ओके, थर्ड था टू फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन। यहाँ भी रेगुलर की बात हो रही है। सपोज आपको एक्सटीरियर एंगल गिवन है कि एक्सटीरियर एंगल जो है वो 30 डिग्री है या 40 डिग्री है। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू आप यहाँ डालोगे तो आपके पास नंबर ऑफ साइड्स आ जाएंगे। ओके बेटा, सिमिलरली अगर आपको एक्सटीरियर एंगल निकालना है और नंबर ऑफ साइड्स गिवन है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। ओके, एंड ये फॉर्मूला आपका लगेगा जब सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन हमने निकालना है कि इंटीरियर एंगल्स का सम कितना है। मैंने आपको बताया कि क्वाड्रिलेटरल के लिए 360 डिग्री है। अगर वो पेंटागन हो, हेक्सागन हो, ऑक्टागन हो, कोई बड़ा आपकी फिगर, तो उनका सम हम कैसे निकालेंगे? एन माइनस टू इंटू 180 डिग्री से। वॉट इज एन इन दिस? टेन साइड्स है तो आप लिख दो 10 - 2 × 180 डिग्री, उसका एंगल पता चल जाएगा। सेवन साइड्स है तो बोल 7 - 2 × 180 डिग्री, उसका एंगल। इज इट क्लियर? यस यस वेरी गुड। एंड वन थिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने यहाँ पे बताया एक्सटीरियर एंगल, एक ही एक्सटीरियर एंगल बताया है। तो एक रेगुलर पॉलीगॉन में एक एक्सटीरियर एंगल अगर आपको पता है, कोई भी आपके पास पॉलीगॉन है, एक एक्सटीरियर एंगल अगर आपको पता है तो आपको बाकी भी पता चल जाएंगे अपने आप कि नहीं? यस yes. वाई क्यों पता चलेंगे? बिल्कुल ठीक बताया आपने, वेरी गुड। आगे बोलो, क्योंकि वो रेगुलर है। क्योंकि वो रेगुलर है, उसके सारे एंगल जो होंगे वो भी इक्वल होंगे। ये सारे एंगल्स अगर एक पता चल गया तो अंडरस्टूड है कि बाकी भी इक्वल होंगे। यू शुड नो एवरीथिंग रीजन। ओके, तो एक एंगल की वैल्यू आप लगाओगे यहाँ पे तो आपके पास नंबर ऑफ साइड्स आ जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे आप सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला लगाना है तो एन माइनस टू इंटू 180 डिग्री करोगे। अगर आपको इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन निकालना है, एक इंटीरियर एंगल निकालना है, तो आपका ये आ जाएगा। वो सम का फॉर्मूला था, सबका सम कितना होता है, ये था आपका इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन ऑफ एन साइड्स निकालने के लिए। ओके, ये लिस्ट अपने सामने रखो, इसको साथ साथ में हम देखेंगे जब क्वेश्चंस करेंगे। इज इट क्लियर? आई एम गोइंग टू क्लीन इट, वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर टू पढ़ो बेटे, हमने कल किए थे ये, इसके फर्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था कल। सी द सेकेंड क्वेश्चन, जो जो गिवन है उसको अंडरलाइन करो प्लीज। यस बेटा, क्वेश्चन इज फॉर विच रेगुलर पॉलीगॉन, फॉर विच रेगुलर पॉलीगॉन दे आर आस्किंग कि रेगुलर पॉलीगॉन कौन सा है। मैंने आपको बताया था आपके क्वेश्चंस में ज्यादा रेगुलर की बात होगी तो आपको ये सारे फॉर्मूलास यूज करने हैं। रेगुलर पॉलीगन हमने निकालना है कि वो कौन सा है, ऑक्टागन है या हेक्सागन है या क्या है। विच रेगुलर पॉलीगन द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल इज 3 टाइम्स मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर, मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल आप भी लिखो बेटा, आपको गिवन और जो चीजें पूछी गई है वो भी लिखनी है और जो गिवन है वो भी लिखना है। मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 3 टाइम्स मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, ये चीज आपको दी हुई है और हमने इसको यूज करनी है। तो एबल टू सी द बोर्ड क्लियरली? गुड, प्लीज राइट डाउन। बेटा
बेटे हमें जब भी रिलेशन दिया होता है ना, ऐसे जो चीज हमें दी होती है उसको हम यूज करते हैं। ओके, मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल हमें दिया हुआ है इज इक्वल टू 3 टाइम्स मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। तो हमें अगर ये चीज पता चल जाए, एक्सटीरियर एंगल, लेट एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, लेट एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्स। अगर ये एक्सटीरियर एंगल एक्स बन गया है तो इंटीरियर एंगल क्या होगा, क्या रिलेशन दिया है दोनों का? देयरफॉर इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, जो गिवन रिलेशन है उससे? ये जो गिवन रिलेशन है इसको रीड करो प्लीज। 3x, यस, किसने बताया? एवरीबडी नोज 3x, रेज योर हैंड, क्योंकि ये रिलेशन हमें दिया हुआ है। यस, गुड, इट इज इक्वल टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 3x। ठीक है, दोनों की हमें पता चल गई, इंटीरियर एंगल भी है और एक्सटीरियर एंगल भी है। ठीक है, अगर इंटीरियर एंगल हमारे पास 3x है तो आपको पता है कि दोनों इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपका कोई भी डायग्राम है बेटा, चाहे ट्राइंगल है आपके पास, आपको पता है एक एक्सटीरियर है और दूसरा एक्सटीरियर है, दोनों का सम 180 डिग्री होता है, होता है कि नहीं? एवरीबडी नोस, यस, एवरी फिगर में, हर एक फिगर में, ये तो मैंने छोटा सा ट्राइंगल ड्रॉ किया है, कोई भी आप फिगर ड्रॉ करोगे, अंदर वाला और बाहर वाला जो एंगल होता है उनका हमेशा सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, वी कैन फाइंड फ्रॉम हियर, वैल्यू निकाल सकते हैं, 3x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री। प्लीज x की वैल्यू निकालो यहाँ से, अपनी नॉलेज के लिए ये ड्रॉ करने है तो साइड पे ड्रॉ भी कर सकते हो, आपको याद रहेगा कि इट इज इक्वल टू एक्सटीरियर 45 डिग्री। वेरी गुड, इट इज 45 डिग्री, x इज इक्वल टू 45 आ रहा है। तो हमने निकालना था, हमें ये पता चल गया कि एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का है, देयरफॉर एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 45 डिग्री। हमने क्या निकालना था, नंबर ऑफ साइड्स निकालने थे, हमने देखना था कि पॉलीगन वो कौन सा है, उसकी नंबर ऑफ साइड्स कितनी है। अभी तो हम उसका नाम बताएंगे, अगर उसकी 5 साइड्स होंगी तो हम बोलेंगे पेंटागॉन है, 6 होंगी तो बोलेंगे हेक्सागॉन है, 7 है तो हेप्टागन है, दैट ऑल। ठीक है, वी हैव टू चेक। तो आपको लगता है कि आपके पास एक्सटीरियर एंगल आ चुका है, तो अभी नंबर ऑफ साइड्स कैसे निकालोगे? सी द फॉर्मूलाज, वेरी गुड, जल्दी से बता दो फॉर्मूलाज आपके सामने है, देख के बता दो। कह रहे हैं आस्केट ए हमराज, फॉर्मूला में रीड करो, नंबर ऑफ साइड्स कैसे निकलेंगे अगर आपको एक्सटीरियर एंगल पता है तो? यस, मॉर्निंग मैम. मैम 360 ओवर एक्सटीरियर एंगल. एक्सीलेंट एक्सीलेंट, कॉन्फिडेंटली बोलो, कोई डाउट ही नहीं है इसमें, फॉर्मूलाज आपके सामने है। वेरी गुड, गो बैक, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 45 एक्सटीरियर एंगल, हमने फॉर्मूला लगाया है यहाँ पे, लिख लो बाय फॉर्मूला, ये कोई जादू नहीं है कि ऐसे ही हो गया, दिस इज एग्जैक्टली फॉर्मूला आपने अप्लाई किया है, जो हमने प्लान किया था, आपको लिस्ट बताई थी उसके फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली हमारे पास ये वैल्यू आ रही है। प्लीज इसको फाइंड आउट करोगे काट के? 8 मैम ऑक्टागन मैम 8 आ रहा है, यस, बाकी बच्चों को भी करने दो 2 मिनट। वेरी गुड, ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, जिन्होंने आंसर मैच करने, फटाफट से निकाल लो। यस, इट इज कमिंग आउट टू बी 8 एंड दिस इज ऑक्टागन। ठीक है बेटा, आपकी ऑप्शन आ रही है यहाँ पे, ऑक्टागन। एनी डाउट इन दिस? ये कंप्लीट आपका क्वेश्चन बेटा 2 मार्क्स का है, अगर
एमसीक्यू में आपको ऑप्शन तो दी हुई है, बट आपको अगर सब्जेक्टिव में सॉल्व करना आ जाएगा, यू हैव टू परफॉर्म दीज ऑल. ओके बेटे, प्लीज रिवाइज दीज एट होम. यही वाले क्वेश्चन आपसे पूछूंगी आगे करने से पहले. ओके बेटे, थर्ड क्वेश्चन. थर्ड इज टू रेगुलर पॉलीगॉन्स आर सच दैट. टू रेगुलर पॉलीगॉन्स की बात हो रही है. थर्ड क्वेश्चन आई एम डूइंग हियर. प्लीज रीड द क्वेश्चन इन असाइनमेंट बेटे साथ साथ में. टू रेगुलर पॉलीगॉन्स, फिर से रेगुलर पॉलीगॉन आ गया. प्लीज माइंड इट, रेगुलर की बात हो रही है सारे क्वेश्चंस में. टू रेगुलर पॉलीगॉन्स आर सच दैट द रेशियो बिटवीन देयर नंबर ऑफ साइड्स इज 1:1. ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स हमें दी हुई है 1:2. लिखेंगे जो जो गिवन है. रेशियो ऑफ मेजर ऑफ देयर इंटीरियर एंड ये कौन सी क्लास की आवाज आ रही है? कौन सी क्लास बोल रही है बच्चे? शोर नहीं करना. जब आप बैठ के बोलते हो ना तब भी कितनी नॉइज होती है. ओके, साइलेंटली बैठो. द रेशियो ऑफ द मेजर ऑफ देयर इंटीरियर एंगल्स, मेजर ऑफ ऑफ इंटीरियर एंगल्स, उसका भी आपको रेशियो दिया हुआ है. इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 3:4. नंबर ऑफ साइड्स आपको 1:2 दी हुई है. फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन. दो पॉलीगॉन्स की बात हो रही है आपके पास, फर्स्ट पॉलीगॉन और सेकेंड पॉलीगॉन. टू पॉलीगॉन्स की बात हो रही है, दोनों की हमें नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है. ठीक है, आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास कैसे आएंगी. जब हमें इसके बारे में फॉर्मूलाज लगाएंगे, इंटीरियर एंगल के बारे में पता हो या एक्सटीरियर के बारे में पता हो, तो हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ साइड्स. ठीक है बेटे, अब हमें जब रेशियो दिया होता है, आपने छोटी क्लासेस में 6 में क्वेश्चन किए थे, 7th में किए थे जब रेशियो पढ़ा था, कि जब भी रेशियो दी होती है दो चीजों की, तो हम उनको 1x और 2x पोज कर लेते हैं. पोज रेशियो हैंड, यस, रेशियो वाली चीज दी होती है. 1x और 2x पोज करते हैं, उसको 1x और 2y क्यों नहीं सपोज करते, कोई बताएगा? x ही क्यों लेंगे दोनों के साथ? क्योंकि आपको पता है जब हम रेशो की बात करते हैं वो सेम काइंड ऑफ चीजें होती हैं. टू सेम काइंड ऑफ थिंग्स आर डिस्कस्ड इन रेशो. सेम काइंड मतलब या तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन की बात हो रही है, या उनकी हाइट्स की बात हो रही है, या उनकी वेट की बात हो रही है, या नंबर ऑफ चॉकलेट्स की बात हो रही है. सेम ही काइंड ऑफ चीज की बात हो रही है दो चीजों में, दो ऑब्जेक्ट्स में साइमल्टेनियसली. नंबर ऑफ रेशियो नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ एप्पल्स रेशियो नंबर ऑफ ऑरेंजेस. ठीक है, तो इसलिए हम एक्स एक्स दोनों के साथ लेते हैं ताकि सेम वेराइटी ऑफ चीज है दोनों के पास. तो हम सपोज करेंगे फर्स्ट पॉलीगन हैज नंबर ऑफ साइड्स, हैज नंबर ऑफ साइड्स कितनी है इसकी, 1x. इसको लेट करना है बेटा, प्लीज राइट डाउन लेट इन द बिगनिंग. लेट फर्स्ट पॉलीगन हैज नंबर ऑफ साइड्स 1x एंड सेकेंड पॉलीगन हैज नंबर ऑफ साइड्स 2x. ठीक है बेटे, ये आपने वन एक्स और टू एक्स कर लिया बिगनिंग में. उसके बाद नंबर ऑफ इंटीरियर कितना आएगा इसका बेटा? इंटीरियर एंगल ऑफ फर्स्ट पॉलीगॉन, इंटीरियर एंगल ऑफ फर्स्ट पॉलीगॉन. जल्दी से इसका फॉर्मूला देखो जो मैंने आपको लिखवाए हैं. इंटीरियर एंगल का क्या फॉर्मूला होता है? Yes, x minus 2 into 180 degree divided by x. Fifth formula किया था ये? तब sixth formula, fifth वाला formula, interior angle is equal to this. अगर उसकी n sides हो तो हम बोलते हैं n minus 2 into 180 degree divided by n. Okay? Interior angle of second polygon क्या होगा? Second polygon में 2x है उसकी side. तो x के बदले में 2x लिख दो.
2x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2x इनटू 183। यहाँ पे मैंने 2x क्यों लिया बेटा? व्हाई आई हैव टेकन 2x हियर? प्योर शेड सी, मेरे को साथ साथ रीजन भी बताना पड़ेगा, मेरे को पता चलेगा आपको समझ आ रहा है या नहीं। एट सी पियूष आगे आके बताओ बेटा। फर्स्ट पॉलीगॉन में हमने अकेला एक्स लिया है, सेकंड पॉलीगॉन में 2x लिया है, वाई मैम ड्यू टू द इंटीरियर एंगल वी कैन नॉट बी यूज इट एज रेशियो नंबर ऑफ साइड्स। ओके कोई और बताएगा आपके साथ ही जो बच्चा बैठा हुआ है? बेटे आप बताओगे कि हमने यहाँ पे एक्स लिया है, यहाँ पे 2x लिया है। पीयूष पीयूष गो बैक टू योर सीट, लेकिन लिसन टू मी केयरफुली अभी, ठीक है? आपका रीजन अभी थोड़ा और इलेबोरेट होने वाला है, थोड़ा अच्छी एक्सप्लेनेशन चाहिए। हाँ जी, ये बच्चे जो आगे बैठे थे 8C वाले, यस मैम बिकॉज दे आर नंबर ऑफ साइड्स। बिकॉज दे आर नंबर ऑफ साइड्स, एग्जैक्ट रीजन इसने बताया। हमने फिफ्थ में फॉर्मूला लिखा था कि अगर एन नंबर ऑफ साइड्स होंगे तो यहाँ पे एन आएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉलीगॉन में नंबर ऑफ साइड्स एक्स है, तो हमने एक्स लिया, बाकी सब वैसे का वैसे ही है फॉर्मूला की तरह। और यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स सेकेंड में 2x है, तो हमने एन के बदले में 2x लिया, यहाँ भी और यहाँ भी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके वेरी गुड। अब हमें रेशियो दी हुई थी 3:4, ये गिवन था आपको, मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल्स की रेशियो दी थी 3:4। यहाँ पे लिखो, रीजन लिखो, बट देयर रेशियो इज 3:4, गिवन है ये आपको, राइट डाउन गिवन। उनकी रेशियो हमें 3:4 दी हुई है इंटीरियर एंगल्स की, तो हम उनको डिवाइड करेंगे। देयरफॉर x माइनस 2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय x, फर्स्ट पॉलीगॉन डिवाइडेड बाय नीचे वाला 2x माइनस 2 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2x इज इक्वल टू 3:4, 3/4। यू नो जब हम रेशियो की बात करते हैं तो उसको डिवीजन फॉर्म में लिखते हैं, 3:4 का मतलब 3/4 ही होता है ना, पता है सबको? Yes, सबको पता है, आपने सिक्स में भी पढ़ा है, सेवेंथ में भी पढ़ा है। तो हमने दोनों को डिवाइड कर दिया, ये भी इंटीरियर एंगल्स हैं हमारे फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली, ये भी इंटीरियर एंगल्स की रेशियो है 3/4, तो हमने उनको डिवाइड करके लिख दिया रेशियो की फॉर्म में। ठीक है बेटे, प्लीज इसको सॉल्व करो। अब जब ऊपर भी फ्रैक्शन होता है और नीचे भी फ्रैक्शन होता है, इसको यूज कैसे करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। पहले उसको रिवर्स कर दो, क्योंकि वो ऊपर भी पूरा का पूरा फ्रैक्शन है, नीचे भी फ्रैक्शन है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, वो पहले रिवर्स कर दो नीचे वाले को। ठीक है, कैसे करेंगे? एक्स माइनस टू, ऊपर वाला तो हम ऐसे का ऐसे ही लिखेंगे, एक्स 180 आप इधर ही क्रॉस कर सकते हो, 180 तो इधर ही क्रॉस हो जाएगा, तो आपको छोटा हो जाएगा ये, दिस इंटू यहाँ पे उल्टा हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाय 2x माइनस 2, 180 को हमने उधर ही खत्म कर दिया क्योंकि वो दोनों के पास ही था। ठीक है बेटे, तो अभी आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, x माइनस 2 अपॉन x इंटू 2x डिवाइडेड बाय 2, बाहर निकाल लो x माइनस 1, 2 कॉमन ले सकते हो नीचे से, दोनों के पास है, ये कैंसिल हो जाएगा। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, x भी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, x माइनस 1, प्लीज 3/4, 3/4 इसे साथ साथ चलता जाएगा, ये वो हमें दिया हुआ था। लीनियर इक्वेशन में ये सॉल्व किए होंगे बेटे, x माइनस 2 बाय x माइनस 1 इज इक्वल टू 3/4 किया था ये वाला। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जो आप मेरे को पहले बोल रहे थे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो,
4x माइनस 8 इज इक्वल टू 3x माइनस 3। प्लीज x की वैल्यू निकालो यहां से। यस x इज इक्वल टू 5, वेरी गुड, x इज इक्वल टू 5 आपकी वैल्यू आ रही है। ठीक है, आपने निकालना क्या था, आपने निकालना था कि फर्स्ट पॉलीगॉन की कितनी नंबर ऑफ साइड्स है और सेकंड पॉलीगॉन की कितनी नंबर ऑफ साइड्स है। अगर x इज इक्वल टू 5 है तो 2x क्या होगा, 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो हमारी नंबर ऑफ साइड्स कौन कौन सी आ रही है बेटा, 5 एंड 10, 5 एंड 10। ठीक है बच्चे, बेटा आपको ना ये क्वेश्चन रिवाइज करने हैं घर जाके, अगर रिवाइज करोगे तो आपको और ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, इज इट ओके। ठीक है बच्चे नोट कर रहे हैं, और जिन्होंने नोट कर लिया प्लीज एक बार रिवाइज कर लो, कुछ पूछना है तो पूछ लो। ठीक है, इसको क्लीन कर दो से, आपने नोट कर लिया सबने, दिस साइड आई एम क्लीनिंग, है ना, यहाँ से तो नोट कर लिया आपने पहले से। जो भी क्वेश्चन आज हम कर रहे हैं 4 या 5 जितने भी क्वेश्चन है, कल मैं आपसे पूछूंगी कौन सा क्वेश्चन कैसे किया था, प्लीज रिवाइज करना घर पे बेटे। ओके, कल क्लास शुरू करने से पहले आई विल रिवाइज दीज क्वेश्चंस फर्स्ट। आपने मेरे को बताना है कि आई कैन आस्क एनीबॉडी कि क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन कैसे किया था, आपको मेथड पता होना चाहिए कि पहले हमने इंटीरियर एंगल निकाला, फिर हमने फॉर्मूला लगाया, फिर हमने एक्स निकाली। ठीक है, ओवरऑल आपने मेरे को मेथड बताना है कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे, फोर्थ क्वेश्चन, वैसे मुश्किल क्वेश्चन है इसलिए मैं ही करवा रही हूँ आपको पूरा का पूरा, जो इजी क्वेश्चन होगी वो मैं आपको होमवर्क के लिए भी दे सकती हूँ, पता लगेगा कि आप कर सकते हो। ठीक है, पहले डिफिकल्ट वाले जो क्वेश्चंस है मेरे साथ साथ कर लो, आपको ये भी पता रहेगा कि फॉर्मूला कैसे यूज करना है। और बेटा प्लीज रीड इट, ए बी सी डी इज अ रेगुलर पेंटागॉन, पेंटागॉन, सबको पेंटागॉन ड्रॉ करना आता है, नंबर ये रेगुलर है, रेगुलर है तो उसकी साइड साइड इक्वल होनी चाहिए, ड्रॉ करो इसको। पेंटागॉन की शेप ऐसे होती है, ऊपर से आपको ट्रायंगल दिखेगा, ट्रायंगुलर शेप, नीचे से रेक्टेंगुलर शेप। ठीक है, ये रेगुलर है तो उसकी सारी की साइड्स इक्वल होंगी। ठीक है, इसका नेम कर लो ए बी सी डी ई, ए बी सी डी आपको रेगुलर पेंटागॉन दिया हुआ है, एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए ई, बी ए ई का बाइसेक्टर जो है वो यहां पे जा रहा है। फिगर ड्रॉ करो, स्केल की जरूरत नहीं है, पेंसिल ड्रॉ करो। ओके, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए ई मीट सी डी एट एम, सी डी को एम पे मिल रहा है, यहाँ पे एम पॉइंट लिख लो बेटा, उन्होंने दिया हुआ नेम, जैसे जैसे नेम बोला है तो हमें वही लिखना पड़ेगा। इफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी सी डी, बी सी डी इसका बाइसेक्टर, बी सी डी का इसका भी एक बाइसेक्टर है, मीट्स ए एम एट पी, इसका बाइसेक्टर जो है वो यहां पे मिल रहा है एट पॉइंट पी। एक बाइसेक्टर ये हो गया 1 एंड 2, एक बाइसेक्टर ये हो गया 3 एंड 4। देखिए 1 2 3 4 कैसे किया हुआ है, क्योंकि ये बाइसेक्टर दिए हुए हैं, हमें पता है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 है, बाइसेक्टर दिया हुआ है। किसी भी एंगल का बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, क्या मतलब होता है संचिता, 8 है, किसी भी एंगल के बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, यस शी हैज लेफ्ट, शी हैज लेफ्ट, ओके आप ही बता दो, कैन यू टेल मी व्हाट यू मीन बाय बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल,
मैम जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, जो एंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे उसको बाइसेक्टर बोलते हैं। ठीक है, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू एंड एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर दिया ही हुआ है तो हम डायरेक्टली लिख पाएंगे इसको, डायरेक्टली लिख लो इसको। ठीक है, आपको निकालना है एंगल सी पी एम, एंगल सी पी एम वी हैव टू फाइंड आउट, क्वेश्चन मार्क है आपके पास। ठीक है, तो एक चीज हमें दी पेंटागन है, यहाँ पे लिखो सिंस बी सी डी सी डी ई इज अ पेंटागॉन, दिस इज पेंटागॉन, इसकी फाइव साइड्स है, ये तो गिवन था हमें। ठीक है, जब पेंटागॉन गिवन है तो उसका एंगल निकाल सकते हो आप, एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल। देयरफॉर इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागॉन, फॉर्मूला देखो इसका इंटीरियर एंगल का जल्दी से, फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, किसी की नंबर ऑफ साइड्स पता होती हैं तो इसका इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? यस, क्या फॉर्मूला था बेटा? दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लिखा है सबने? यस, तो हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। ठीक है, इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू दिस, तो यहां से इसकी वैल्यू निकालो, 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 5, 3 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 5, प्लीज कैलकुलेट करो कितना आ रहा है इंटीरियर एंगल। छोटी कैलकुलेशन है, यू कैन डू इट, 108। तो मैंने निकाला इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला लगा दिया और वैल्यू पुट करके निकाल दिया इंटीरियर एंगल। आप किसी और मेथड से भी निकाल सकते हो इंटीरियर एंगल, अगर आपको नंबर ऑफ साइड्स पता हो तो। यस यस, प्लीज खड़े होकर बताओ, 8C, 8C से आवाज आई थी। यस, दूसरा फॉर्मूला क्या लगा सकते हो कि किसी और वे से कैसे कर सकते हो? मैं दोनों मेथड आपको बताऊंगी, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि ऐसे ही करना है। कौन बताएगा और कैसे निकाल सकते हो इंटीरियर एंगल? पीछे सारी फॉर्मूला देखो, पीछे देखो अपने जितने भी हमने लिस्ट लिखी थी, 1 2 3 4 5 सारे फॉर्मूलास को रीड करो। यस, 8 थे में से ये, टेल मी बेटे। मैम 360 डिग्री ओवर एन, एक्सेलेंट, 360 डिग्री ओवर एन, ये भी तो फॉर्मूला था ना आपका एक। ठीक है, अगर आपको नंबर ऑफ साइड्स पता है तो आप इंटीरियर एंगल उससे भी निकाल सकते हो, तो वहां से आपके पास एक्सटीरियर एंगल आएगा। एक्चुअली एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू आएगा आपके पास 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एन, दैट इज नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हो ना। ठीक है, ये आपके पास आ गया 72 डिग्री, यहां से एक्सटीरियर एंगल आया है, यहां से इंटीरियर एंगल निकाल सकते हो। मैं 180 में से माइनस, यस, इंटीरियर एंगल 180 में से माइनस कर दो। अगर कोई बच्चे ऐसे कर रहे हैं तो ये भी ठीक है, अगर ऊपर वाले फॉर्मूला से करना है तो वो भी ठीक है, दोनों में से सेम ही आपका ये आंसर आएगा बेटा। यू कैन अप्लाई एनी मेथड जो आपको इजी लगे, आपने बुक में शायद इससे किए हुए सारे के सारे, है ना, एक्सटीरियर एंगल पता है पहले निकाल के फिर इंटीरियर एंगल 180 में से माइनस कर दो। यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला और दिस फॉर्मूला, यू कैन डू बाय एनी मेथड। ओके बेटे, चलो अभी हमें इंटीरियर एंगल के बारे में पता चल चुका है, तो हम अभी अंदर 1 2 3 4 की बात करेंगे, क्योंकि हमने हमने एंगल निकाला था सी पी एम। ओके, नाउ अब आपको जो 108 डिग्री है बेटा उसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो, पहले तो ये देखो, आपके पास ये पता चल गया कि एंगल बी जो है वो भी 108 है, और एंगल 1 + 2 है वो भी इज इक्वल टू 108 है, और एंगल 3 + 4 भी 108,
108 है, सारी उसके अंदर वाले एंगल 108 डिग्री हैं, 108 डिग्री हैं। तो हमें तो मतलब इनसे ही है सिर्फ, क्योंकि हमने सीपीएम की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अभी मुझे बताओगे कि एंगल हमने यहां पे पहुंचना है, यहां तक पहुंचना है सीपीएम, इसको डार्क कर लो, जहां तक पहुंचना है हमने। अब आप आ जाओ इन क्वाड्रिलेटरल, इसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है जिसकी फोर साइड्स हैं। वो कौन सा है? ए बी सी पी। ध्यान से उसको देखो, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम अंदर वाले क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? क्वाड्रिलेटरल के अंदर आपको क्या क्या पता है? इसमें आपको पता है कि एंगल वन कितना होगा? 108 डिवाइडेड बाय 2, 54 डिग्री। और एंगल बी आपको पता है 108 है, और एंगल थ्री भी आपको पता है 54 डिग्री है, क्योंकि वो उसका हाफ है, बाइसेक्टर थे तो इसका मतलब उनका हाफ हाफ हो जाएगा। आपको क्वाड्रिलेटर में तीन एंगल पता है तो चौथा एंगल निकाल सकते हो। देयरफॉर एंगल ए पी, इसको भी फाइव लिख लो, एंगल फाइव लिख लो इसको ना, ये वाला एंगल, इसके साथ वाला, ये वाला एंगल जो निकालना है उसके साथ वाले को फाइव लिख लो, आपको इजी हो जाएगा लिखना। तो एंगल फाइव हमारे पास कितना डिग्री होगा? एंगल वन प्लस एंगल थ्री प्लस एंगल फाइव प्लस एंगल बी इज इक्वल टू कितने डिग्री का होता है? क्वाड्रिलेटरल में सम कितना डिग्री होता है बेटा? तो ये भी तो एक क्वाड्रिलेटरल है, अप्लाई कर दो फॉर्मूला, वैल्यू डाल दो सबकी। 54 डिग्री प्लस 54 डिग्री प्लस आपके पास फाइव एंगल हमने निकालना है, प्लस बी हमारे पास 108 डिग्री है, इज इक्वल टू 360 डिग्री। हम जनरली ज्योमेट्री के जो चैप्टर्स होते हैं 1 2 3 4 एंगल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारा काम इजी हो जाता है। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालो प्लीज। एंगल फाइव कितने डिग्री आ रहा है, किसने कैलकुलेट कर लिया है? ओके, वेरी गुड, डू इट, आई एम गिविंग यू टाइम। आई कांट अपडेट, क्योंकि अभी डिस्कस करना है हमने इसको। 144 144, यस 144 आ रहा है। जो बच्चे कर रहे हैं प्लीज इसको मैच करो बेटे, आपका आ रहा है 144, प्लस माइनस ही करना है सिंपल सा। अगर आपको एंगल 5 पता चल चुका है 144, तो सीपीएम निकाल सकते हो। देयरफॉर एंगल सीपीएम प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों 180 क्यों हैं? लीनियर पेयर, रीजन पे लिखो इसका, क्योंकि आपने यूज करना है। लीनियर पेयर का नाम सुना हुआ है आपने? लीनियर पेयर का सम 180 डिग्री होता है, दैट यू नो। यस, तो एक एंगल आप है तो दूसरा निकाल सकते हो। एंगल सीपीएम निकाल लो यहाँ से फटाफट, 36 36। आई होप बाकी बच्चे भी कर रहे हैं। एंगल सीपीएम आपके पास आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 144 इज इक्वल टू 36 डिग्री। एवरीबॉडी डू इट, सब लोग करेंगे। अगर सर आप खुद अपनी हैंड से सॉल्व करोगे और मैच करोगे ना आंसर, यू विल बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। जब आपका लिखा हुआ आंसर ठीक हो जाता है ना, फिर आपको कॉन्फिडेंस हो जाता है कि यस मैंने किया और ठीक किया। ठीक है बेटे, बेटा आज हमारे ये जो क्वेश्चंस हुए हैं ना, इसमें से सेकंड थर्ड एंड फोर्थ प्लीज इनको ना रिवाइज करना। टुमारो आई विल आस्क यू कि हाउ यू हैव डन इट, मेथड यू हैव टू टेल मी द मेथड। ओके बेटे, प्लीज डिस्कस, टाइम इज ओवर बेटा, टाइम इज ओवर, यस आई नो। प्लीज क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई एट होम, दिस इज योर होमवर्क। सी यू टुमारो। Thank you.